हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पैक द बैग्स इफ न्यूजीलैंड विंस, रविंद्र जडेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड। तो मुझे लग रहा है कि किसी ने इस टाइप का कुछ बोला होगा कॉन्फ्रेंस में कि अगर कि तुमको तो अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो तुमको तो पैक करके जाना पड़ेगा। बात भी सच है, पर देखो ऐसे कई लोग मुंह पे बोल के नहीं, मुझे पता नहीं इंसल्ट कर रहे हैं कि कोई बता रहे हैं, वो तो सभी को पता है, वो तो हमें भी तो पता देखना है, देखना पड़ेगा। और काफी दुख होगा ऐसा होता है, और चांसेस हैं अफगानिस्तान के जीतने के, चांसेस बहुत कम है। नहीं, आप लोगों में से कई तो ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम को भी इतना आप बेकार मत समझो, क्योंकि उनके बॉलर्स काफी अच्छे हैं। तो देखो फिर, वो तो बात फिर अच्छी होगी, हमारे लिए तो अच्छी होगी अगर वो अच्छा खेल के जीत लें। पर चलो पहले वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Okay, hi everyone. Thank you very much again for joining us here for this post-match press conference. We are joined by Ravindra Jadeja of India. Hi Ravindra. Congratulations on the win. Pehla sawal ye hai aapse ki New Zealand ke loss ke baad Virat Kohli ne kaha tha ki bat aur ball se team strong utna brave nahi thi jitna ho sakti thi. तो और अभी हमने देखा इंटेंट काफी रिफ्रेशिंग है, काफी ज्यादा इंटेंट से खेल रहे हैं हम, तो मेंटली और स्किल्स वाइज वो कमबैक करना वो कैसे किया टीम ने? इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ने इतना अभी अब देखेंगे, लास्ट 2-3 साल में हमने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है, कोई भी फॉर्मेट हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो। बट एक दो मैच के बाद हम अपने आप को ऐसा जज नहीं कर सकते कि हमने खराब खेला। एक दो मैच T20 में किसी के साथ भी होता है ऊपर नीचे। तो ओवरऑल हमने लास्ट 2 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो होता है एक दो मैच में, बट ज़्यादा वो उस मैच के बारे में हम सोचेंगे नहीं। अभी हमारे आगे जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे और अच्छा जो भी आज खेले, लास्ट मैच में खेले थे, वैसे ही क्रिकेट खेलने को देखेंगे। So today India fielded 3 spinners. So when India's playing, like there are multiple spinners in there, how does your role change specifically? My role was same, you know, look to, you know, take wickets in middle overs, and whenever I get opportunity, try and, you know, bowl like how I used to bowl. So बस वही plan simple था, इतना कुछ खास change नहीं था, just because we are playing against Scotland, तो बस वही simple basic plan था. Okay, we will now cut to questions on Zoom. We will start with Kushan Sarkar, please. जरूर भाई, आज आप लोगों ने पहले बॉल किया तो क्या डिफरेंस लगा? मतलब आपने पहले बैटिंग भी की है इसी ट्रैक पे, आज आपने बॉलिंग पहले की, तो अभी आपको दोनों साइड का पता है, तो क्या डिफरेंस नजर आया, अगर थोड़ा बताएं हमें? फर्स्ट इनिंग में जैसे टूर्नामेंट में मैच हुए, फर्स्ट इनिंग में बॉल थोड़ा रुक के और थोड़ा ग्रिप करता है सरफेस से, और सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाते हैं उसकी वजह से विकेट एकदम फ्लैट हो जाता है और बैट्समैन के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो वही जो हम पहला अगर बैटिंग करते हैं तो तब इतना स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता जो हम जितना हमें चाहिए होता है, बट वही कि जब आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता है तो T20 फॉर्मेट में मिडिल ओवर्स में भी मुश्किल है, क्योंकि विकेट भी लगातार गिरते रहते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होता है। तो उसकी वजह से ये टॉस जीतना और पहला बैटिंग सेकंड बैटिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अरानी बसु प्लीज। चड्डू भाई, आपने बोला कि ये टीम 2-3 साल से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इस साल का स्टार्ट भी वैसे ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब आप लोगों का बैक टू द वॉल था, आप लोगों ने कम बैक किया था, नए लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जब ये पहला 2 मैच हुआ तो एज सीनियर प्लेयर्स आप लोग क्या बात कर रहे थे नए लड़कों के लिए, उनके लिए भी थोड़ा सा झटका ही लगा होगा, तो मतलब कैसे वो मोराल आप लोगों ने कैसे ये किया होगा, कैसी बातें की होगी? नहीं, इतना कोई पैनिक ड्रेसिंग रूम में नहीं था, सब लोग नॉर्मल थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा T20 फॉर्मेट में एक दो मैच इधर उधर होते और इधर स्पेशली टॉस जीतना बहुत ही मतलब जरूरी हो जाता है, क्योंकि ड्यू की वजह से पूरा गेम
चेंज हो जाता है, वही जो टीम पहला बैटिंग करती हो अगर वो सेकंड बैटिंग करेगी तो पूरा अलग ही बैटिंग करेगी। तो मेरे ख्याल से जो ड्यू का फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, उसकी वजह से ऐसा कुछ लगता है कि जो पहले बैटिंग कर रही है वो टीम कुछ अलग ही खेल रही है और जो सेकंड बैटिंग कर रही है वो भी टीम कुछ अलग खेल रही है। तो मेरे ख्याल से ड्यू की वजह से ये सब कुछ मतलब पूरा गेम चेंज ड्यू की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने जो अफगानिस्तान के सेकंड उस टाइम भी तो वही था, गेम ही फ्रॉड है फिर। जडेजा अभी जैसे ये बातें चल रही है कि मतलब न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से हार जाए तो मतलब हमारा चांस कुछ बन जाए बन पाएगा, पर अगर न्यूजीलैंड हारता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्या क्या आप फिर से रिपीट करें प्लीज। अभी जैसे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तभी हमारा चांस है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल में, बट अगर अफगानिस्तान नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को फिर तो फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। Nothing, we were, you know, looked to bowl in good areas because ball was gripping, odd ball was turning, odd ball was spinning. So I think the key was to bowl in, you know, right areas as a spinner, as a fast bowler. So yeah, we were looking to bowl in good areas and rest wicket was doing the job. Okay, that will conclude the press conference. Thank you very much for your time, Ravindra, and congratulations. So friends, अच्छा लगा कि ये आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आंसर्स कर रहे हैं और अपना बता रहे हैं और मौका मिल रहा है कि लोगों को जो भी प्रेस के हैं उन्हें क्वेश्चंस पूछने का, जो कई चीजें हमारे भी दिमाग में दिल में थी, कई लोगों के दिल में थी, उस टाइप के सिमिलर काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए। जैसे मैं भी पूछ रही थी ना कि भैया अगर न्यूजीलैंड जो है नहीं हारती तो क्या होगा, वो तो पता ही चल गया था। क्वेश्चन स्टूपिड था, इनसे तो उनको पूछना चाहिए, वो भी ऐसे टाइम पे तो नहीं आज जाएंगे तो हमें तो ये क्या करेंगे। और आप लोग तो मीडिया वाले, आपको तो ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होगा, पर मेरे ख्याल से वो इनडायरेक्टली वो इसलिए पूछ रहे थे कि भाई जैसे कहते हैं ना तंग करने के इरादे से उस टाइप से कि क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो तो सभी को पता है, इसीलिए तो हम लोग सब कह रहे हैं कि भैया अफगानिस्तान जीत जाए। तो वो यही कह रहे थे कि पैक करेंगे और लीव करेंगे, तो मैं यही कह रही थी, सोच रही थी और बोला भी होगा शायद मैंने कि बहुत शर्म की और दुख की बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है कि सेमीफाइनल्स तक ही नहीं पहुंच पाए हमें, हम तो सोच रहे फाइनल्स तक पहुंच के जीते, तो अगर वहां तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर क्या बात हुई। पर यह है कि एक लेसन भी मिलेगा हमें, उससे सीख भी मिलती है हर चीज से, तो उसको फिर पॉजिटिव ही देखना पड़ेगा, पर अभी इतना नहीं सोचेंगे, अभी तो यही कहेंगे कि किसी तरह से कुछ हो जाए। और पता भी लग रहा है काफी टफ हिसाब किताब है, क्योंकि अगर कोई भी टीम दो बार हारती है तो समझ लीजिए उसका प्रोस्पेक्ट जीतने का पूरा ही खत्म हो जाता है, और आगे जाने का ही नहीं, जीतना तो दूर की बात है, आगे अभी कॉम्पिटिशन में एंटर करने का। गेम आपने हारी है और ये हाल हो गया कि आप जो है सेमीफाइनल में भी आने के लिए सोच रहे हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इतना अगर मतलब डेंजरस गेम है, उसमें एक मैच हारना ही मतलब है कि बड़ा लॉस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब इससे कुछ लर्निंग्स आएंगी, उनको देखना पड़ेगा। और ड्यू की जहां तक बात थी, अगर कोई गेम ऐसी है, कोई भी स्पोर्ट, एक स्पोर्ट ऐसा है जो आउटडोर में खेला जाता है और वहां पे वेदर कंडीशन से इतना फर्क पड़ जाता है कि एक टीम को इतनी एडवांटेज हो जाती है और दूसरी को डिसएडवांटेज, तो मेरे ख्याल से उस गेम में कोई फ्लॉ है। हाँ, मेरे को भी यही लगता है कि फेयर ही नहीं है वो, तो फिर फेयर ही नहीं है। आप ऐसे कैसे स्पोर्ट कर सकते हैं जहां पे एक ड्यू के वजह से एक बंदे को इतनी एडवांटेज आती है, इसका मतलब फिर लक की बात हो गई। फिर इंसान जो देखने आ रहा है वो लक को देख रहा है बस, कि भाई जिसकी टॉस होगी जो जीता इसकी एडवांटेज है, गेम वो जीत जाएगा। तो आपको गेम क्या देखनी है, आप लकी देखने आए हैं सिर्फ? नहीं, फिर ऐसी जगह पे नहीं करो जहाँ पे ड्यू वाला फैक्टर होते हैं, स्टेडियम में मत करो। एग्जैक्टली, उन स्टेडियम में क्यों किया जा रहा है, गेम तो फेयर होनी चाहिए। उस लोकेशन पे क्यों किया जा रहा है जहाँ पे ड्यू के पंगे पड़ते हैं, मुझे भी नहीं समझ। आउटडोर क्यों किया जा रहा है, इनडोर क्यों नहीं? तो मेरे ख्याल से कुछ एडवांसमेंट होना चाहिए स्पोर्ट में, कि स्पोर्ट एक स्पोर्ट हो, कि दोनों के चांसेस फेयर होना चाहिए।
और बेस्ट टीम जो खेले उसको ये थोड़ा था कि फेयर मतलब कि नेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि आपकी किस्मत में ये आ गया तो भैया उस वजह से ये तो कल को ये बोल देंगे ऐसा है कि हम बीच में करेंगे रात को अंधेरा हो जाए तो अंधेरे वाली टीम हार जाएगी दिख नहीं रही बॉल का है एक का सुबह करते एक का रात को करते हैं उनको तो दिखेगी जिसकी सुबह होगी वो जीत जाएगा रात वाला हार जाएगा कोई अंधेरा गलत बात है पता नहीं मुझे ऐसा ये मतलब नेचर के चांस पे नहीं होना चाहिए इतना फर्क ड्यू से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ड्यू का मतलब ही जीतेगा भैया नहीं बस आपने अगर नेचर का है तो वो उस टाइम होना चाहिए कि दोनों को वही दोनों को सेम इफेक्ट हो दोनों को ड्यू में खेलो वही तो है तो वही तो वो ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर आप इंडोर कर दीजिए और लोकेशन अगली बार वाइजली चूज करिए ये वर्ल्ड कप है exactly. इसमें लोकेशन जस्ट बिकॉज की फंडिंग वगैरह कोई भी रीजन है उस वजह से लोकेशन नहीं होनी चाहिए वो लोकेशन होनी चाहिए जहां बैलेंस क्रिकेट खेला जा सकता है बिल्कुल नेचर की वजह से इतना इफेक्ट नहीं आ रहा हो कि जिसने टॉस पहले जीता वो जीतेगा उसे क्योंकि ये सारा ड्यू की बात कर रहे थे पर मैं दूसरा भी सोच रही थी अगर ड्यू का इतना ही फैक्टर है तो इससे पिछले वाली गेम भी तो जब खेली है हमने अफगानिस्तान के साथ तो उस टाइम हम टॉस थोड़ी कोई जीते थे टॉस ना जीतने के बाद भी हमने अच्छी गेम खेली है मतलब हम जीते ही हैं तो फिर मतलब तो वही कह रहे हैं कि उसमें बहुत दम लगाना पड़ा बहुत कॉम्पनसेट करना पड़ा ड्यू को तो वो ये तो फिर वो पता नहीं अब ये तो फिर फेयर फिर तो यही होगा कि गेम फेयर नहीं है मैं तो यही कहूंगी ऐसी गेम फिर खेलनी क्यों जो फेयर ही नहीं है तो आप ये बताना भैया गेम तो फेयर है सिर्फ लोकेशन फेयर नहीं है या जो स्टेडियम फेयर नहीं है जो कर रहे हैं जिस तरह से खेली जा रही है वो फेयर नहीं है दोनों टीमों के लिए पर जो भी है अच्छा लगा खुशी तो इसी बात की कि अभी हम जीते हैं और अच्छा मतलब हमने दिखाया अपना कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से खेला है हमने स्कोर्स बहुत अच्छा बनाया है पर अब वही है कि क्योंकि हम दो हार गए हैं तो अब किसी और टीम के ऊपर हम डिपेंडेंट है कि वो अगर हार जाए दूसरी उनको हरा दे तो अब हमारा चांस है आगे एंट्री लेने का वो बहुत दुख की बात है तो चलो देखते क्या होता है होपिंग फॉर द बेस्ट विशिंग देम ऑल्सो द बेस्ट अब आगे जो भी होगा वील स्टिल बी यू नो सेइंग कि भाई जो भी हार या जीत वील स्टिल सपोर्ट क्योंकि हमारी कंट्री की टीम है हम बाहर से तो वैसे सबको सपोर्ट करेंगे अपनी इंडियन टीम को पर उनको अंदर से बोलते रहेंगे कि आगे से वैसी गलती मत करना क्योंकि ऑब्वियसली यही होगा ना अंदर कुछ भी बोले पर बाहर तो हमारी कंट्री है या कंट्री की टीम है तो उसको तो रिप्रेजेंट करना ही हमने तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए